पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि यंगसुन उस मेमोरी कार्ड को ढूंढ लेती है जो कैंगो ने उस फोटो फ्रेम के पीछे छुपाया हुआ था। जब वो उस मेमोरी कार्ड को चेक करती है तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए थे जो एक्चुअली में कैंगो के जर्नल्स थे। यंगसुन उन जर्नल्स को पढ़ना शुरू करती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। कैंगो का लॉ स्कूल में पहला दिन था। उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। क्लास में उससे पूछा जाता है कि उसने लॉ स्कूल ही चूज क्यों किया। वो कुछ आंसर देने लगता है लेकिन उसी समय उसे अपनी मॉम की कही हुई बात याद आती है जो एक बार उस पे बहुत चिल्ला रही थी और कह रही थी कि उन्हें जानना है कि आखिर क्यों तुम्हारे डैड की डेथ हुई, क्या रीजन था उसके पीछे, इसलिए तुम्हें प्रोसिक्यूटर बनना होगा। कैंगो फिर आंसर करता है कि मैं जानना चाहता था कि मेरे लिए लॉ स्कूल अटेंड करना क्यों जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। किसी भी स्टूडेंट को कैंगो का आंसर समझ नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि कैंगो अपने डैड का ट्रायल रिकॉर्ड लेने के लिए पहुँचता है। उसके पास सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे लेकिन उसे ट्रायल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता, ये कहकर कि ये सेंसिटिव कंटेंट है, ये हम किसी को नहीं दे सकते। उसे सिर्फ रूलिंग डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें इस केस के रिलेटेड सारे इन्वॉल्व लोगों का नाम था। रूलिंग डॉक्यूमेंट देखकर कैंगो को पता चलता है कि उसके डैड ने जिसके अगेंस्ट केस किया था उसका नाम सॉन्ग था और जो प्रोसिक्यूटर इस केस में इन्वॉल्व था उसका नाम तैसो था। कैंगो फिर पुलिस स्टेशन जाता है। लग तो ऐसा रहा था कि ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं है। वो वहाँ के ऑफिसर से कहता है कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर एक्ट के हिसाब से फैमिली मेंबर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देख सकता है, ये उसका हक है, लेकिन डिटेक्टिव हंसकर उसकी इंसल्ट करके उसे वहाँ से निकाल देता है और कहता है कि प्रोसिक्यूटर बन जाओ तब यहाँ पर आना। कैंगो ने तैसो पर बहुत रिसर्च वर्क करके उसके बारे में सब कुछ पता किया था। कैंगो हर साल अपने लॉ स्कूल में टॉप करता हुआ आ रहा था और यंगसुन उसके हर ग्रेजुएशन डे पर होती थी और बहुत खुश होती थी। कैंगो अब अपने बार एग्जाम की तैयारी में लग गया था और इसी बीच वो मीजू से मिलता है। वो दोनों फिर साथ में रहने लग गए थे। जब कैंगो अपने ज्यूडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में था तब वो तैसो से मिलने के बहाने ढूंढता रहता था। एक दिन उसे पता चलता है कि तैसो उसके इंस्टीट्यूट आने वाला है स्पेशल लेक्चर देने के लिए। उस समय तैसो चीफ प्रोसिक्यूटर हुआ करता था और अगले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला था। उस दिन कैंगो को तैसो से थोड़े टाइम के लिए बात करने का चांस मिलता है। उस समय उसने हायंग को भी देखा था जो तैसो की बेटी थी। सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि किसी काम के सिलसिले में कैंगो को प्रोसिक्यूटर ऑफिस जाने का चांस मिलता है। वहां के ऑफिसेस में सारे ट्रायल केसेस के फाइल रखे होते थे। मौका मिलता है कैंगो अपने डैड का केस का ट्रायल डॉक्यूमेंट ढूंढ लेता है। वो मन में सोचता है कि अब उसे पता चल जाएगा कि आखिर उसके और उसके मॉम की किस्मत ऐसी क्यों थी। एक दिन जब वो मीजू से मिलता है तो बातों ही बातों में पूछ लेता है कि एक केस के लिए प्रोसिक्यूटर ने एक विटनेस को स्टैंड पे बुलाया और वो विटनेस ऐसा स्टेटमेंट देता है जो विक्टिम के ही अगेंस्ट हो, तो इसका क्या मतलब बनता है। तो मीजू कहती है कि प्रोसिक्यूटर ने विटनेस को बुलाया होगा विक्टिम के फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए, पर अगर विटनेस ने उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है तो इसका मतलब है कि एक तो उसे विक्टिम से दुश्मनी होगी या फिर उसे धमकी या पैसे दिए गए होंगे विक्टिम के अगेंस्ट बोलने के लिए। नेक्स्ट डे कैंगो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है जो उसके डैड के केस में विटनेस था और उसने लास्ट मोमेंट पर अपना बयान बदल दिया था। कैंगो को पता चलता है कि यह आदमी उसके डैड का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। मिलने पर वो आदमी सब कुछ एक्सेप्ट करके माफी मांगता है और बताता है कि उसे चेयरमैन सॉन्ग ने धमकी दिया था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसका घर भी जल सकता है या फिर उसके बीमार मॉम की जान भी जा सकती है। फिर वो आदमी कैंगो से कहता है कि तुम प्रोसिक्यूटर बन गए हो, तुम्हारी मॉम को अफसोस हुआ होगा। कैंगो कंफ्यूज हो जाता है तो वो आदमी बताता है कि उसके होने से पहले उसकी मॉम कहा करती थी कि वो खुद तो पेंटर नहीं बन पाई लेकिन वो अपने बच्चे को पेंटर बनाएगी। फिर कैंगो को याद आता है कि उसे ड्राइंग और स्केचिंग का बहुत शौक था लेकिन जब भी उसकी माँ उसे ड्रॉ करता हुआ देखती थी तो उसे बहुत डांटती थी और उसके स्केचेस भी फाड़ देती थी। कैंगो को ड्राइंग के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिलते थे लेकिन यंगसुन सारे अवार्ड भी जला देती थी। कैंगो का प्रोसिक्यूटर बनने का अपॉइंटमेंट सेरेमनी भी आने वाला था, उसने अपनी मॉम को भी इनवाइट किया था। वो मीजू से कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो वहां पर आए। मीजू बहुत दुखी हो जाती है। प्रोसिक्यूटर बनने के बाद कैंगो फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और अपना आईडी दिखाकर अपने डैड का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगता है। इस बार डिटेक्टिव को चुपचाप फाइल देनी पड़ती है। उस फाइल में कुछ फोटोज थे। कैंगो नोटिस करता है कि जो फोटोज मरने वाली जगह पर लिए गए थे उसमें गले में रस्सी का निशान था, स्ट्रगल का कोई निशान नहीं था, पर जो फोटोज ऑटोप्सी के टाइम पर लिए गए थे उसमें गले में नाखून का निशान था। इसलिए वो अपने डैड के केस वाले डिटेक्टिव से जाकर मिलता है और पूछता है कि पहले फोटोज में स्ट्रगल का कोई निशान कैसे नहीं है, क्योंकि कोई भी मरने से पहले स्ट्रगल तो करेगा ही, भले ही उसने अपनी खुद की जान क्यों ना ली हो। डिटेक्टिव कहता है कि कुछ केसेस में विक्टिम का गला पहले ही टूट जाता है जिससे वो स्ट्रगल नहीं कर पाता।
तो कैंगो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ऑटोप्सी रिपोर्ट के फोटोज में स्ट्रगल मार्क्स कहाँ से आ गए। कैंगो समझ चुका था कि वो फोटोज देखकर उसकी मॉम ने जरूर क्वेश्चंस किया होगा और इसलिए उन लोगों ने बाद में नाखून का निशान जानबूझकर बना दिया ताकि स्ट्रगल दिखाया जा सके। डिटेक्टिव के पास अब कुछ भी बोलने के लिए नहीं था तो कैंगो कहता है कि मैंने नोटिस किया था कि उसी केस के बाद तुम्हें प्रमोशन मिला था और तुमने बड़ा घर भी खरीदा था। डिटेक्टिव घबरा जाता है और कहने लगता है कि उस केस को 30 साल हो चुका है, अब ये सब करके क्या मिलेगा। फिर कैंगो चिल्लाकर कहता है कि 30 साल हो गए हैं पर वो अभी भी मेरे डैड हैं। अब कैंगो को तेसो से क्लोज होना था इसलिए उसे हायंग के क्लोज होना पड़ता है, इसलिए कैंगो मीजू से ब्रेकअप कर लेता है। कैंगो मीजू से बहुत प्यार करता था, उसके बाद वो बहुत रोता है। कैंगो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मीजू को इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। उसके बाद से कैंगो हायंग पर नजर रखने लग गया था, वो उसे हर जगह फॉलो करता था और फिर जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में गई थी तब ड्रग्स के बहाने उसे अरेस्ट कर लेता है ताकि इसी बहाने वो उसे मिल सके और फिर मिलते मिलते दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि सॉन्ग के ग्रैंडसन ने एक लड़की का मर्डर किया था। वो पूरा इंसिडेंट वहाँ के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन उस फुटेज को एविडेंस में लाया नहीं गया था और वहाँ के काम करने वाले आदमी को अरेस्ट कर लिया गया था। कैंगो अपने आप को इस केस में इन्वॉल्व कर लेता है और एक इनोसेंट आदमी को गिल्टी प्रूफ करके सॉन्ग के ग्रैंडसन को बचा लेता है। सॉन्ग कैंगो से काफी इम्प्रेस था और उसके बाद से कैंगो ने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया था। कैंगो उसे ऐसा दिखाता है कि वो पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकता है पर उसके दिमाग में अपने डैड के मर्डर का रिवेंज चल रहा था। कैंगो और हायंग को डेट करते हुए काफी टाइम हो चुका था इसलिए वो कैंगो को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लाती है। सबके जाने के बाद तेसो उसे अकेले में धमकी देता है और कहता है कि वो हायंग से दूर रहे। फिर वो पता करने की कोशिश करता है कि तेसो तो पहले सॉन्ग के लिए काम करता था तो फिर अचानक से तेसो दोसांग ग्रुप की साइड क्यों ले रहा है। उसका सीनियर उसे बताता है कि तेसो और सॉन्ग ने मिलकर काफी घटिया घटिया काम किए हैं। उन दोनों ने मिलकर योंगरा कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन को मरवाया और सॉन्ग ने फिर उस कंपनी को एक्वायर करके अपनी खुद की कंपनी बना ली। इसलिए तेसो अब खुद को सॉन्ग से अलग कर रहा था ताकि वो अपनी रेपुटेशन सुधार कर सोसाइटी में क्लीन रह सके। अब क्योंकि तेसो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट लेने वाला था इसलिए तेसो और सॉन्ग की दुश्मनी चल रही थी। कैंगो का सीनियर उसे ये भी बताता है कि तेसो को सेड्यूस करने के लिए उसने एक औरत को भी उसके पास भेजा था लेकिन तेसो पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। कैंगो फिर उस औरत का पता लगवाकर उसे मिलने के लिए पहुंचता है। वो लेडी उसे बताती है कि सॉन्ग ने उसे तेसो का असिस्टेंट बनने के लिए भेजा था ताकि उस पे नजर रख सके पर तेसो का उससे अफेयर हो गया, उस समय वो प्रेग्नेंट थी। वो लेडी कहने लगती है कि वो इन सब से दूर जाना चाहती है। कैंगो कहता है कि वो उसे और उसके बच्चे को सेफ रखेगा लेकिन उसे सॉन्ग के कंपनी का कॉन्फिडेंशियल फाइल चाहिए। वो उसे सब कुछ एक पेनड्राइव में डालकर दे देती है। जब उस लेडी को बेबी हो जाता है तब कैंगो किसी तरह तेसो का डीएनए कलेक्ट करता है और वो इस बेबी को उससे मैच करवाता है। कैंगो के प्लान के बारे में उस लेडी को सब कुछ पता था। वो लेडी उसे कहती है कि ये सब करके तुम अपनी फैमिली को भी डेंजर में डाल रहे हो। इसी वजह से कैंगो ने अपने मॉम से मिलने तक को मना कर दिया था क्योंकि वो उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। अगले दिन कैंगो सॉन्ग से खुद को अडॉप्ट करने के लिए बोलता है ताकि जब वो हायंग से शादी कर ले तो तेसो से सॉन्ग को कोई खतरा नहीं हो, कोई एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाएगा। अगले दिन हम वही सीन देखते हैं जब कैंगो उस लेडी को मारने के लिए लेकर जाता है जब उसने उसे गाड़ी के साथ पानी में धक्का दे दिया था। उस रात एक्चुअली में क्या हुआ था कि कैंगो ने उस लेडी को मारा नहीं था बल्कि अपनी जान पहचान के एक आदमी से कहकर उसे और उसके बच्चे को किसी दूसरे कंट्री सेफली भेज दिया था और फिर कार को पानी में धक्का देकर गिरा दिया ताकि सबको लगे कि वो लेडी मारी जा चुकी है। उस चीज की वीडियो बनाकर वो उन्हें भेज देता है ताकि उन्हें लगे कि उन दोनों को मार दिया गया है। अगले दिन कैंगो हायंग के साथ अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। वहां जाकर वो उन्हें एडॉप्शन के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए कहता है। उस टाइम कैंगो ने मौका पाकर फोटो फ्रेम के पीछे उस मेमोरी कार्ड को छुपा दिया था। कैंगो जानता था कि वो अपने डैड के केस को अब रीओपन नहीं कर सकता इसलिए उसका प्लान था कि वो हायंग से शादी करके सॉन्ग और तेसो की दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। कैंगो ने ये भी लिखा था कि वो अपने डैड के लिए बदला नहीं ले रहा बल्कि अपनी मॉम की जिंदगी बर्बाद हुई इस वजह से वो बदला ले रहा है। कैंगो जानता था कि उसकी मॉम को उसके लिए ही बैड मॉम बनना पड़ा। उसे मार के उसकी मॉम को बहुत तकलीफ होती थी। जब वो उसे कम खाना देती थी तब वो खुद भी नहीं खाती थी। उसके सारे स्केचेस जो उन्होंने फाड़े थे वो सब जोड़ के उन्होंने संभाल कर रखे थे।
कैंगो सोचता था कि ये सब खत्म करके वो अपनी मॉम के पास वापस आ जाएगा, पर वो कहाँ जानता था कि तैसो उसका एक्सीडेंट करवाने वाला है। सारी सच्चाई जानने के बाद यंगसुन कैंगो से बोलने लगती है कि तुम जो करने का सोच रहे थे वो मत करना। वहां से निकलकर वो कैंगो का सारा डॉक्यूमेंट और मेमोरी कार्ड सब कुछ जला देती है ताकि बाद में भी कैंगो उनके अगेंस्ट जाकर कोई काम ना करे। उसे डर था कि बदला लेने के चक्कर में कहीं कैंगो के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो कैंगो को हग कर कर बहुत रोती है और कहती है कि बदले के लिए उसे अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बल्कि सब कुछ भूल कर अच्छी लाइफ जीनी है, यही सबसे बड़ा रिवेंज होगा। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी को किसी लेडी की बॉडी पानी में तैरते हुए नजर आती है। वहाँ पास में एक बैग भी था। ये बैग उसी लेडी का था जो वो अपने साथ लेकर जा रही थी। इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।